हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल मैथ विद नूर। टुडे वीडियो इज गोना बी अबाउट सिंप्लीफिकेशंस। लेट अस स्टार्ट द वीडियो। फ्रेंड्स, इस टाइप के क्वेश्चंस को हम इजीली कैसे सॉल्व करते हैं, जहां हमें a दिया हुआ है रूट फाइव प्लस रूट थ्री अपॉन रूट फाइव माइनस रूट थ्री, और b हमें दिया हुआ है रूट फाइव माइनस रूट थ्री अपॉन रूट फाइव प्लस रूट थ्री, और हमें बोला क्या गया फाइंड आउट करने के लिए a प्लस b, डेट मीन्स इस नंबर को और इस नंबर को ऐड करने पर क्या मिलेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को सबसे पहले तो मैं आपको विदाउट ट्रिक सॉल्व करना बताऊंगी, और फिर मैं आप इस क्वेश्चन को ट्रिक की हेल्प से सॉल्व करना बताऊंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमें दिया हुआ है a, सबसे पहले हम लिखते हैं a क्या दिया हुआ है हमें, रूट फाइव प्लस रूट थ्री अपॉन रूट फाइव माइनस रूट थ्री। विदाउट ट्रिक हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी, ठीक है। जब हम ट्रिक से सॉल्व करेंगे तब आपको इजीली क्लियर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, इतनी बात। अब हमें a दिया हुआ है ये, इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले रैशनलाइज करके देख लेते हैं। हम क्या करते हैं, इसको रैशनलाइज करके देख लेते हैं। रैशनलाइज कैसे करते हैं, हम जो भी डिनोमिनेटर में नंबर दिए हुए हैं उसको हम क्या करेंगे, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में लिखेंगे। लिखने के बाद अब यहाँ पर माइनस का साइन है, बट जब हम उसको लिखेंगे तब प्लस प्लस का साइन होगा। दैट मीन साइन चेंज होते हैं हमारे, अगर प्लस का होता तब माइनस माइनस आते हैं। अब हम क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे सबसे पहले इसको, रूट फाइव प्लस रूट थ्री, रूट फाइव प्लस रूट थ्री। मैंने क्या बोला आपको, कैसे रैशनलाइजेशन करनी है आपको, आपको क्या देखना है, यहाँ पर जो साइन होगा माइनस का, अगर यहाँ पर साइन तब यहाँ पर कैसा साइन मिलेगा आपको, प्लस का साइन मिलेगा, और जो डिनोमिनेटर में आपको दिया होगा सेम वही रहने वाला है, ठीक है फ्रेंड्स, इतनी बात। अब अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो तब ये किस टाइप की फॉर्म बन रही है आपके पास, ए प्लस बी, ए प्लस बी, किस टाइप की फॉर्म बन रही है यहाँ पर आपके पास, ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी, कंप्लीट होल स्क्वायर बन रहा है ना आपके पास, ये ए प्लस बी यहाँ भी है, ए प्लस बी यहाँ भी है। तब आप इसको ऐसे लिख सकते हो, रूट फाइव प्लस रूट थ्री का होल स्क्वायर, ठीक है। नीचे किस टाइप की फॉर्म बन रही है, ए कितना है हमारा, रूट फाइव, यहाँ कितना है, यहाँ भी ए कितना है, रूट फाइव, ए माइनस बी, ए प्लस बी। नीचे किस टाइप की फॉर्म बन रही है, a माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी किसके इक्वल होता है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर के इक्वल होता है। डैट मीन्स रूट फाइव का स्केयर इस नंबर का स्केयर माइनस रूट थ्री स्केयर। अब हम इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। अब हमें पता है ए प्लस बी कंप्लीट होल स्केयर का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस टू ए बी। डैट मीन्स रूट फाइव मल्टीप्लाई रूट थ्री कितना हो जाएगा, रूट फिफ्टीन अपॉन, अब यहाँ पे क्या आएगा, स्क्वायर आएगा, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना था, अब स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, फाइव। यहाँ भी स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, थ्री। डैट मीन्स फाइव माइनस थ्री कितना हुआ, टू। यहाँ भी स्क्वायर से रूट कैंसिल, कितना बचेगा, फाइव। स्क्वायर से रूट कैंसिल, कितना बचेगा, थ्री प्लस टू रूट फिफ्टीन अपॉन टू। 5 प्लस 3 कितना हुआ, 8 प्लस 2 अपॉन 15 और अपॉन कितना है फिर, 2, ठीक है, इतनी बात। अब यहाँ अगर हम न्यूमिनेटर में ध्यान से देखें तो अब हमारे पास फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म्स में से कुछ कॉमन आ रहा है, तो वो क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है। 2 को हमने क्या लिख लिया, बाहर, 2 फोर जा 8, 2 वन जा 2 अपॉन कितना है, 2। डैट मीन्स ए की वैल्यू कितनी आ गई, अब हमने सोल्व किया जब, 8 की वैल्यू कितनी आई है, 4 प्लस 15। ए की वैल्यू कितनी दी थी हमें, ये, और अब हमने सोल्व कर दिया जब, उसको ए की वैल्यू कितनी मिली है, 4 प्लस 15। ऐसे हम क्या करेंगे, बी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, हम क्या करेंगे, बी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। बी को लिखेंगे सबसे पहले, बी की जो वैल्यू है उसको लिखा हमने, फिर हम क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन करेंगे इसकी। कैसे करते हैं, हम जो नीचे डिनोमिनेटर में नंबर दिया होता है उसको हम क्या करेंगे, ऊपर भी लिखेंगे और नीचे भी लिखेंगे, ऐसे लिख लिया। अब यहाँ प्लस का साइन है, तब जब रैशनलाइजेशन करते हैं तब कैसा साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ किस टाइप की फॉर्म बन रही है, ए माइनस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी, क्या होता है हमारे पास, कैसा फॉर्मूला बना ये हमारे पास, ए माइनस बी कंप्लीट होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया।
ठीक है, नीचे अगर हम ध्यान से देखें, अब हमारे पास क्या बन रहा है, ए प्लस बी ए माइनस बी किसके इक्वल होता है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर के। डैट मीन्स इस नंबर का स्केयर और फिर इस नंबर का स्केयर, बीच में कैसा साइन है, माइनस का साइन है। बी की वैल्यू भी हमने फाइंड कर ली। अब हम इसको कैसे ओपन करेंगे, ए माइनस बी कंप्लीट होल स्केयर क्या होता है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस टू ए बी, माइनस टू ए बी। ए कितना था, रूट फाइव, और बी कितना था, रूट थ्री। तो रूट फाइव की रूट थ्री के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, रूट फिफ्टीन अपॉन स्केयर से रूट कैंसिल, डैट मीन्स कितना बचेगा, फाइव। यहाँ भी स्केयर से रूट कैंसिल, कितना बचेगा, थ्री। डैट मीन्स फाइव में से थ्री को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आंसर कितना मिलेगा, टू मिलेगा। स्केयर से रूट कैंसिल फाइव, यहाँ भी स्केयर से रूट कैंसिल थ्री, माइनस टू अपॉन फिफ्टीन अपॉन टू। फाइव प्लस थ्री कितना होगा, एट, माइनस टू रूट फिफ्टीन अपॉन टू। डैट मीन्स बी की वैल्यू कितनी आई अब हमारे पास, अगर हम यहाँ ध्यान से देखें, फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म में से टू कॉमन आ रहा है, टू को बाहर लिख लेते हैं, अंदर क्या बचेगा, फोर रूट फिफ्टीन अपॉन टू। बी की वैल्यू कितनी आई, फोर माइनस फिफ्टीन। ठीक है, ऐसे हमने क्या कर लिया, सिंप्लीफाई। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, ए प्लस बी, हमें तो क्या फाइंड आउट करना है, ए प्लस बी। ए कितना आया ये, बी कितना आया ये, अगर हम इन दोनों नंबर्स को ऐड करते हैं, अगर हम इन दोनों नंबर्स को ऐड करते हैं, मैं आपको करके भी बता देती हूँ, ए प्लस बी, ए कितना है, फोर प्लस रूट फिफ्टीन, प्लस बी कितना है, फोर माइनस रूट फिफ्टीन। ये टर्म प्लस के ये माइनस की कैंसिल हो जाएगा, डैट मीन्स ए प्लस बी कितना आया, सिक्सटीन। ठीक है, अब आप देख लो आपको कितना टाइम लगा इसको सॉल्व करने में, और अब मैं आपको एक ट्रिक बताऊँगी, आपने बड़ी इजली उसको सॉल्व कर दोगे। ट्रिक क्या, अब आपने खुद देखना है कि आपने इतना बड़ा सॉल्व करना है या आपने ट्रिक से सॉल्व करना है। ठीक है, अब आपने एक चीज़ ध्यान में रखनी है, सबसे पहले ए देखना है, ए कितना है हमारा, रूट फाइव प्लस रूट थ्री, और बी और डिनोमिनेटर में हमें दिया हुआ है रूट फाइव माइनस रूट थ्री। आपने क्या करना है, न्यूमिनेटर में जो आपको नंबर दिए गए हैं, रूट के अंदर क्या नंबर दिया हुआ है, फाइव, और यहाँ रूट के अंदर कितना नंबर दिया हुआ है, थ्री। आपने क्या करना है, जो रूट के अंदर नंबर दिए हुए उनको क्या करना है, ऐड करना है। उनको ऐड करने पर कितना मिलेगा, फाइव प्लस थ्री एट। ठीक है, और जो नीचे रूट के अंदर नंबर दिए हुए हैं आपको, उसको क्या करना है, आपने सब्ट्रैक्ट करना है। डैट मीन्स फाइव माइनस थ्री कितना होगा, टू, टू फोर जै कितना हो गया आपके पास, एट। इतना आपने इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब आपने क्या करना है, रूट के अंदर जो आपको नंबर दिए हुए, यहाँ कितना दिया हुआ है, ऊपर देखने हैं आपने, रूट के अंदर यहाँ रूट फाइव दिए हुए, यहाँ रूट थ्री दिए हुए आपको। ठीक है, अब आपने क्या करनी है, इनकी मल्टीप्लाई करनी है, रूट फाइव की मल्टीप्लाई रूट थ्री के साथ करोगे, कितना मिलेगा, रूट फिफ्टीन। रूट फिफ्टीन को आपने यहाँ पर लिख लेना है। ठीक है, बीच में कौन सा साइन आएगा, प्लस का आएगा माइनस का, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। न्यूमिनेटर में कैसा साइन है, न्यूमिनेटर में जो नंबर दिए हुए हैं उनके बीच में कैसा साइन है, प्लस का साइन है, इसलिए यहाँ कैसा साइन आएगा, प्लस का साइन आएगा। ए की वैल्यू तो आपने फाइंड आउट कर लेना, ए की वैल्यू जब आपने रैशनलाइजेशन करके फाइंड आउट की थी तब कितनी आई थी, यही सेम आई वैल्यू आई थी, और अब आपने ट्रिक से फाइंड आउट किया तब भी कितनी आई है, यही वैल्यू आई है। आपको ये सोल्व करने में टाइम लगेगा, ये सोल्व करने में टाइम लगेगा, आप तो ऐसे ही सोल्व करना पसंद करोगे, ऐसे ही आप बी की वैल्यू फाइंड आउट करोगे। बी की वैल्यू के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले आपने देखना है न्यूमिनेटर में, आपने देखना b के जो न्यूमिनेटर है हमारे पास, न्यूमिनेटर में रूट फाइव दिए हुए हैं, रूट थ्री दिए हुए हैं, रूट के अंदर जो नंबर दिए हुए हैं सबसे पहले उनको ऐड करना है। फाइव प्लस थ्री कितना हो जाएगा, एट हो जाएगा। फिर क्या करना है, जो नीचे नंबर दिए हुए हैं रूट के अंदर उनको सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट किया, फाइव माइनस थ्री कितना हो गया, टू, इसको कैंसिल कर देना है, फिर कितना आया, फोर। फोर को आपने यहाँ पर लिख लेना है। उसके बाद आपने क्या देखना है, जो रूट के अंदर न्यूमिनेटर में, डिनोमिनेटर की बात नहीं कर रहे हम ऊपर जो न्यूमिनेटर है उसकी बात कर रहे हैं, रूट में जो नंबर दिए हुए हैं उनकी मल्टीप्लाई करनी है। डेट मीन्स रूट फाइव की रूट थ्री के साथ मल्टीप्लाई करनी है, तो कितना मिलेगा, फिफ्टीन। अब बीच में कैसा साइन आएगा, जो न्यूमिनेटर में हमारे पास ऊपर और नीचे, डेट मीन्स ऊपर जो हमारे पास साइन दिया दोनों नंबर्स के बीच में न्यूमिनेटर में, वो कितना है, माइनस, तो माइनस आएगा यहाँ पर। ऐसे आपने क्या किया, इजली फाइंड आउट कर सकते हो आप, जब आप बहुत सारे क्वेश्चन करोगे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब इन दोनों नंबर्स को अगर हम ऐड करें a प्लस बी, तब हमें कितना मिलने वाला है, सिक्सटीन ही तो मिलने वाला है। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, ट्रिक के साथ क्वेश्चन को ईजिली सोल्व कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन को ईजिली देख के बता सकते हो कि हाँ जी हम तो ऐसे इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप स्टूडेंट हो तब आपको एग्ज़ाम में
सोल्व करना होगा तब आप इसको ऐसे कर लेना रैशनलाइजेशन करके, ठीक है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हो तब आप इसको इस तरह से भी सोल्व कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। इतनी बात, आपने क्या करना है, सबसे पहले जो आपको रूट के अंदर नंबर दिए हुए हैं उनको ऐड करना है, डिनोमिनेटर में जो रूट के अंदर नंबर दिए हुए उनको सब्ट्रैक्ट करना है, फिर कैंसिल करके देखना जो भी आएगा उसको यहाँ लिखना है, फिर जो रूट के अंदर नंबर दिए हुए हैं, फिर रूट के अंदर जो नंबर दिए हुए हैं रूट फाइव और रूट थ्री, पहले तो हमने रूट नहीं लिया था फिर हम रूट भी लेंगे, इनकी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने पर क्या आया रूट 15। अब यहाँ पर इन दोनों नंबर्स के बीच में प्लस का साइन था इसलिए यहाँ प्लस का साइन आएगा। ऐसे ही हमने यहाँ पर भी कैसे किया, बी हमें दिया हुआ था ये, सबसे पहले हम क्या करेंगे रूट के अंदर जो भी नंबर दिए हैं रूट के अंदर 5 और 3 दिए हुए इनको हम कर देंगे ऐड, 5 में 3 को ऐड करेंगे मिलेगा 8, ऐसे ही हम जो नीचे नंबर दिए हुए हैं हमें उनको कर देंगे सब्ट्रैक्ट मिलेगा 2, 8 को 2 से डिवाइड कर देंगे हम क्या मिलेगा 4, फिर जो यहाँ रूट में नंबर दिए हुए हैं हमें इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, विद रूट मल्टीप्लाई करनी है, अब हमें क्या करना है विद रूट मल्टीप्लाई करनी है, और जो हमारे पास ऊपर साइन दिया होगा दो नंबर्स के बीच में वही साइन हमें अपने फाइनल आंसर में लिखना है, इजिली आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। इतनी बात, आई होप यू लाइक द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, थैंक्स फॉर द वॉचिंग।